आई नहीं आई नहीं अभी नहीं नहीं उसको दबा के हाँ दबा के हम तो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे इन लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका मेरे लिए तो ये पैगाम है बस मुझसे मिलने आके खुशीद भी सनैन भी खैर मिल के चले गए खुशीद और मेहर के मारे बहुत काफ़ी दिन हो गए तो अब जाके उन्हें भेज देना चाहिए फौरन फौरन ठीक खैर फौरन तो नहीं पैसे की बात है नहीं नहीं अब इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें भेज देंगे नहीं आएंगे खुशीद ज़रूर और बस वो डरते ज़रा ज़्यादा हम वो हालात से बहुत डरे हुए हैं यहाँ के डरते हैं पहले ही से डरते हैं हालात से अब तो बुखार ख़राब ही हो गए हालात जी जी यहाँ सुकून है अजहर भाई का बताइए कि कैसे हुआ और बस मुझसे बताया नहीं जाता तो वहाँ मजलिस हो रही थी ना ये बताया आपने रिजविया में नश्तर पार्क में नश्तर पार्क में मजलिस हो रही थी जी जी ये कपड़े पहन के स्कर्ट के आके खड़े हो गए जी जी बच्चे को मना कर गया बच्चे भी स्कर्ट में है उसको मना करके आए कि हाँ भी मत आना थे फिर बाद में आने में उन्होंने इतने कपड़े पहन के पीछे पे आया इतने ये जाके ये खड़े हुए थे वहाँ से वो आ रही थी कुछ क्या हुआ जी जी फौरन इनने हाथ उठाया इसके गोली लगी दोस्त नीचे गया इसका मरा वो भी जी जी और इसका भी ख़त्म हो गया इसी वक्त ख़त्म हो गया फिर यहाँ खबर आई बुढ़े फैमा ले के गए कमर अस्पताल क्या हो सके था फिर बिल्कुल आप बता रही थी कि उनकी यही तमन्ना थी और भी इसकी तमन्ना यही थी 8-9 साल से वो स्कॉट में था अब तीनों बच्चों को करवा दिया स्कॉट में उसने जी जी उसमें थे ना ज़ुल्फ़िकार हैदरी में हैदरी स्काउट्स हैदरी स्काउट में था कैंप लगाया था 2 दिन पहले कैंप लगे हुए थे वहाँ वो लगाया था वहाँ बैठे थे फिर आया था कपड़े बदलने 2 दिन से पहले कह रहा था सबसे कि कल को तो मैं ज़रूर शहीद होऊंगा जाके अपने बीवी से कहा जैसे मैं तो अलहदा ही बीवी से कहा बच्चों से कहा कुछ नोहे लग रहे थे इसमें सुन के और कहने लगा कि मैं रो रहा हूँ पीछे भी बीवी भी आ गई तो क्यों रो रहे हैं बच्चे भी आ गए क्यों रो रहे हैं कहनी बस अब मैं जा रहा तैयार हो के 2-3 महीने पहले घर साफ करवाया कि मैं आएंगे आदमी यहाँ ख़त्म हो रहा यहाँ से चले गए कपड़े पहन के वहाँ ख़त्म हो गया जाके वहाँ मजलिस हो रही थी इन चोली पे दो मौलाना उतर गए थे फिर वो पढ़ रहे थे तालीम जारी बस उनके आखिरी मजलिस में जब उठी फिर जब भी लेके चले गए बहुत मजमा था इतना मजमा था गली गली भर रही थी वहीं तक मातम करते चले गए टीवी पे देखा हमने पूरा जनाजा दिखाया था में। तो बच्चे क्या कर रहे हैं अजहर भाई के सब अजहर भाई के बच्चे तो वो एक जॉब कर रही लड़की तो जवान है जी जी क्या खुद कर रहा नाम है वो लड़का भी पढ़ रहा है नवी दसवीं में और एक छोटा है वो 8वीं में पढ़ रहा है छठी में अच्छे हैं बच्चे तो ऐसे सब सभी पल जाते हैं वही चलेंगे बिल्कुल बिल्कुल अपनी वेतन काम में से भी पैसे कटवाता रहा वहाँ अब मिल रहे हैं कि इसको पैसे भी सुना है जब अखबार में आया कि 1,5,00,000 रुपये देंगे इनको शुरू से ही काम कर रहे हैं भाई स्कॉट वालों ने मजलिस करी जेलम की मजलिस करी रिजविया में स्कॉट वालों ने बोली अब कह रहे हैं कि जिस जगह मौत हुई हैगी नुमाइश पे जब मजलिस करेंगे पहली तारीख मुहर्रम की बहुत बहुत था ना हर कुछ सिखाता था सब कुछ करता था बच्चे बीवी तो सब खैर सब ठीक हो जाते हैं आदमी चला जाता है नहीं अच्छा काम करते हुए गए देखिए हाँ ये बात है बस मतलब अच्छा काम करते हुए गया बिल्कुल
इसलिए स्काउट्स में थे सब, ये यंग स्काउट वाले सब आ रहे थे ना भाई, घर में आए तस्वीरें खींचने, हमने मना कर दिया। कहने शहीद की माँ माँ है, बीवी है, ये तो बहुत अच्छा किया उसने। अच्छा आप ये बताइए कि रफत और उसका मियाँ वो कहाँ रहते हैं? रफत और उसका मियाँ वो लोग कहाँ हैं? वो यहाँ हैं, वो भी यहीं हैं। लेफ्टिनेंट पे हाँ करी। उसके कितने बच्चे हैं? जी दो बच्चे हैं। क्या क्या नाम है दिखा देते सी? राबेल ताहा, एक का राबेल नाम है, एक का तहा नाम है जी, बेटे का। बहुत अच्छे हैं, दामाद भी बहुत अच्छे हैं मेरे। और कितने बड़े हो गए बच्चे? मैट्रिक में इम्तहान दिया। चले माशाल्लाह, तो बड़े 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 हो गए ना। एट्थ में। अच्छा अच्छा अच्छा। और रफत अभी भी अफसर लगी हुई है? अभी जॉब कर रहे हैं। और उसका मियाँ कहाँ जॉब कर रहा है? वहीं है, करीबी वहीं पे हैं। उसमें थे ना, कौन सा महकमा है? सदर। अच्छा 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 अच्छा। करीब करीब है। अली भी वही जॉब करते हैं। अच्छा गुड्डू, गुड्डू का बताएं। हाँ गुड्डू भी ठीक है, तीन दो बच्चे हैं इसके, बीवी है। उनके मतलब जहांगीर रोड ही रह रहे हैं। जहांगीर रोड पे ही हैं। और कितने इतना बड़ा मकान नहीं मिलना, मकान तो खरीद लिया उसने, दो कमरों का है जी जी, यहाँ बीवी का है ना जी जी, वहाँ खरीदा। और उनके उनके बच्चों के क्या नाम? एक का नाम अरीबा है, एक का नाम अहमर है। और कितने बड़े हैं वो? तो पता है खैर, राइट है। बच्ची है ना नटी जी जी, पाँच छः साल की। अच्छा के पास अथर भाई का बताएं। अथर भाई का तो क्या बताऊँ, एक बेटा है दुबई में है जी, एक बेटी की शादी हो गई। तो वो बेटी की तो शादी, बेटा क्या कर रहा है? बैंक में क्या कर रहा है? ये तुम उठाना तस्वीर परिया की बच्ची की, परिया की बच्ची है। हाँ भाई दिखाओ, रफत के यहाँ परिया के हस्बैंड। अभी बताते हैं भाई, चश्मा लगाना पड़ेगा, बुढ़े हो गए। अभी से कहा से बुढ़े हो गए, ये हस्बैंड की बेटी है, ये लिफताफा की बेटी, ये रफत की बेटी बैठी राबियल। अच्छा ये फरिया बैठी है, थरवाई की ये फरिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी गए थे रहने के लिए थरमा दुबई बेटे के पास। अच्छा और इनका बताओ जरा सबका। किसका? किसका बेटी का नाम बताओ? मलहा। अच्छा और किसके साथ बैठी है? ये अपने पापा के साथ बैठी है। ठीक, बराज नाम है इनका भी, फ्लैट यही है, कारोबार है इनके। खुशीन मई में आइए, हम खुशीन मई में आना जरूर। हाँ बस ये हो ना, अब आपकी बात पक्की हो गई। हाँ बात पक्की हो गई, मई में भेज देंगे। और कुछ नहीं चाहिए यहाँ, किसी को कपड़े मत लाना, किसी को कोई चीज़ मत लाना, तुम अकेले आ जाना बस। बस मई में, मई में। तो क्योंकि डिफेंस में आना है अगले महीने, तो उनका वो है काम बहुत, वो टैग अप्रैल में, मई में उन्हें जहाज में बिठा देंगे। और मेयर भी आएगी, दोनों को बिठा देंगे। हाँ दोनों को इंशाल्लाह, ठीक है ना, ताकि वो आके सबसे मिलके जाएं। दुआ करूंगी मैं तो। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दोनों आ जाएं।